वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो गाइस अपना आज पोस्ट कॉन्क्रीटिंग और ड्यूरिंग कॉन्क्रीटिंग के ऊपर बात करेंगे। जो भी चाहे बीम कास्ट कर रहे हैं, इससे पहले मैंने फुटिंग और कॉलम के ऊपर लाया हुआ है कि कैसे पोस्ट कॉन्क्रीटिंग चेक करना है ताकि ड्यूरिंग कॉन्क्रीटिंग और पोस्ट कॉन्क्रीट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना घर बनवा रहे हैं या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं एज अ सुपरवाइजर एज अ इंजीनियर, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। प्रैक्टिकल वीडियोस इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगी चैनल से ज़्यादा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, कॉन्क्रीटिंग जब आप चालू करने जाते हैं, जैसे बीम का रिइंफोर्समेंट, शटरिंग सब कुछ चेक हो गया, प्रॉपरली सपोर्टिंग वगैरह सब कुछ देख लिए, कहीं लूज़ वगैरह तो नहीं है, बीम का लाइन तो नहीं जा रहा है, ये सब आप कुछ आपने चेक कर लिया। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा ग्रेड कि बीम का ग्रेड क्या है, कौन से ग्रेड में भरना है। M35 है, 25 है, 30 है, 40 है, कौन से ग्रेड से आपको बीम प्लिन बीम का कास्टिंग करना है, याद रखिए। ठीक है, इसी तरीके से ऊपर का भी बीम समझ लीजिएगा। और यहाँ पे कर्व बीम है, मज़े की बात यह है कि कर्व बीम है यहाँ पे, उसका भी सपोर्टिंग देख लेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो अभी जैसे मान लीजिए प्लिन बीम का जो ग्रेड है वो 30 है, और वो वाले कॉलम का ग्रेड अगर मान लीजिए, यहाँ पे तो नहीं है अभी तक, हमने एक ग्रेड करवा दिया, उसका सॉल्यूशन हमने निकाला, ग्रेड चेंजेस था, ये 30 का बीम था, 35 का कॉलम था, ओके, बट हमने एक ग्रेड कराया, 35 का ही हमने पूरा बीम भर दिया। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे स्टॉपर मारना पड़ेगा, वहाँ पे 300 mm आपको स्टॉपर मारना पड़ेगा, या तो एक मीटर जो आपका कंसल्टेंट देता है। अगर आपको नहीं दिया है तो आप एटलीस्ट 300 mm ये कॉलम के फेस से 300 mm, वो कॉलम के फेस से 300 mm में आपको स्टॉपर मारना पड़ेगा, तो ही जाके आप M30 इधर भरेंगे और M35 जो है वो कॉलम के अंदर कास्ट करेंगे। ये हो गई सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप जब भी प्लेन बीम कास्टिंग करेंगे या स्लैब कास्टिंग करें, अलग ग्रेड दिया तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। आपका ग्रेड अगर चेंज हो रहा है तो कंपलसरी आपको चेंज करना ही पड़ेगा। ओके, अब देख लेते हैं कि सब कुछ आपके पास रहना चाहिए, ग्रेड रहना चाहिए, उसका फर्मा का क्या कौन सा कितना कितना फर्मा जाएगा वो रहना चाहिए आपके पास। ओके, लाइन लेवल सपोर्टिंग सब कुछ चेक कर लेना, ये लाइन प्लाई जो आपका साइड मारा हुआ है लाइन में है कि नहीं। फिर कर्व वाला देखिए, यहाँ पे स्टील देखिए, 16 का स्टील हमने ऐसा बेंड करके उसको सपोर्टिंग किया, नीचे तेरे ठेसी मारा हुआ है, देखिए नीचे तेरे ठेसी मारा हुआ है, और नंगा प्लाई गोल होएगा, ये मेकिंग वाला प्लाई गोल नहीं होगा, याद रखो कि उस पर पट्टी लगी हुई है, देखो वो वर्टिकल लगी हुई है, यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल लगी हुई है, याद रखिए जब भी कर्व करना है गोल करना है तो आपका जो पट्टी आएगा वो वर्टिकल में आएगा, और नीचे ठेसी मारना है हर वर्टिकल पट्टी के नीचे, और सलिए से सपोर्टिंग करना है, बाद में मुंडा लगा देना जैक मुंडा, आपका कर्व बीम आपका हो जाएगा। ओके, ड्यूरिंग कॉन्क्रीटिंग आपका ग्रेड, फर्मा, वाइब्रेटर निडल और लेवल, जो लेवल में जैसे यहाँ पे जो भी लेवल दे, लेवल पाइप रखा हुआ है, लेवल पाइप जैसे वो येलो कलर का लेवल दिख रहा है उससे 600 एक मीटर डाउन 900 डाउन क्या करना है, तो यहाँ से लाइन डोरी बांध के वहाँ से लाइन डोरी बांध के आपको लेवल चेक करना है। ईच एंड एवरी बीम जो भी आप कास्ट करेंगे सारा सब कुछ लेवल आप लेवल में रहना चाहिए, टॉप मैच होना चाहिए। ओके, और एक मज़े की बात आपको और एक काम की बात आपको बताता हूँ जो आपके पास याद रहना चाहिए जब भी आप प्लिन बीम भर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले देख लेते हैं पोस्ट कॉन्क्रीट, ठीक है। अभी देखिए गाइस, जब भी आप कॉलम बीम भर रहे हैं तो आपका पूरा शटरिंग तो रहेगा नहीं, थोड़ा बहुत तो डॉवेल आएगा, तो जब भी आप इसको आधा भर रहे हैं तो उसको जॉइंट जो आएगा, जैसे यहाँ पे जॉइंट आया था तो यहाँ पे हमने चिपिंग किया, प्रॉपरली क्लीन किया, लूज़ मटेरियल निकाला, उसके बाद कंटिन्यू किया, बराबर है। तो ये आपको प्रोसीजर फॉलो करना ही है ताकि लूज़ ना रहे बीम के अंदर, कॉलम के अंदर, बीम के अंदर, जहाँ भी आपका लूज़ आता है लूज़ निकाल लेना है, कहीं पे भी लूज़ आता है तो आपको लूज़ निकाल लेना है। ओके, ये हो गया। अभी कॉन्क्रीटिंग स्टार्ट, आफ्टर कॉन्क्रीटिंग का क्या क्या है, जैसे ये बीम आपने देखा लाइन नहीं है, सबसे पहले आउटर की बात देख लेंगे कि अगर लाइन में नहीं है, हमारा तो यहाँ सब कुछ परफेक्ट है, हमने प्रॉपरली चेकिंग किया हुआ था, देखिए लाइन में है, यहाँ भी आप देखेंगे परफेक्ट लाइन में है एकदम बीम। ओके, विथ क्वालिटी काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, आप भी वैसे काम करिए, अगर कुछ धार वगैरह टूट जाता है आउटर में वो बना के ले लेना, कहीं रफ़ आया है, हनी कॉम्बिंग है, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा, अदरवाइज मैं दिखा देता आपको, तो रफ़ आया है तो वहाँ पे भी मार के ले लेना है। ओके, क्लियरली उसको पैच मार के ले लेना ताकि स्टील एक्सपोज ना हो, आपका सरिया बाहर ना आए, अदरवाइज़ क्या होगा रिइंफोर्समेंट जो कोरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा और बीम आपका फेल हो सकता है। ओके, अभी देखिए ये हमने क्या डाला हुआ है, ये है मुलियन कॉलम का डॉवेल। अभी मान लीजिए ये, अभी देखिए हमारा जो आर्किटेक्ट का प्लान है वो यहाँ से बांधकाम चालू होता है, इतना लंबा पूरे में बांधकाम है। ओके, तो ब्लॉकवर्क ब्रिकवर्क जो भी है इतना लंबे स्पैन में 3 से 4 मीटर का स्पैन, उसके ऊपर अगर बांधकाम का आपका स्पैन जा रहा है तो आपको मुलियन कॉलम ऐसा डालना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, 10 का स्टील वर्टिकल खड़ा कर देना, 8 का रिंग बांध देना है 150 पे, याद रखिए 4 मीटर के ऊपर अगर बांधकाम जा रहा है तो आपको ऐसा मुलियन कॉलम डालना है। देखें 4 स्टील हमने डाला हुआ है, 1 2 3 4, यहाँ भी आप देखेंगे 1 2 3 4 स्टील डाला हुआ है, अदरवाइज़ आपका बांधकाम गिर जाएगा, बांधकाम क्रैक मार देगा। और बहुत ध्यान देना है, प्लिन बीम भरने से पहले ये डॉवेल आपको डालना ही है, याद रखिए, कास्टिंग भी चालू कर दिया तो भी आप ऊपर से डाल दीजिए इसको प्रॉपरली, ताकि आपका बांधकाम प्रॉपर जगह पर रहे। ओके,
ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आगे आपको देखिए अफोर्ड कॉन्क्रीटिंग क्यूरिंग प्रॉपर करना। देखिए हमने बारदान मारा हुआ था ताकि क्यूरिंग प्रॉपर हो। ओके आपका दो तीन पॉइंट याद रखिए, रफ आया तो हानी कॉम्बिंग आया तो वो कर दीजिए प्रॉपरली, पैच कर लीजिए उसको। क्यूरिंग प्रॉपर करना है, मुलियन डालना है इसके अंदर बिफोर चेकिंग, बिफोर कॉन्क्रीटिंग आपको ये डालना है। ओके सब कुछ क्लियर करके और गाला गाला सब कुछ प्रॉपर मिला नहीं मिल रहा, जो आपका संक वगैरह जैसे ये टॉयलेट है तो टॉयलेट का संक, ये देखिए ये टॉयलेट है तो टॉयलेट का संक बराबर माफी में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ऊपर जाके आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ अगर आपका बाहर आ गया, पेट आ गया, कुछ आ गया, उसको छील के प्रॉपर लेवल कर दीजिए ताकि आपको माफी मिले। कॉलम वगैरह का रिड्यूस करना है तो बीम में ही रिड्यूस करना है आपको, चेक कर लेना कहीं मेरा कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। ओके तो ये सारी चीज़ें बीम की थी, बीम की ड्यूरिंग कास्टिंग और आफ्टर कास्टिंग का। ओके थैंक यू वॉचिंग द वीडियोज़ गाइस। प्रैक्टिकल वीडियोज़ के लिए आपको इसी चैनल पे ही आना पड़ेगा, चेक कर लीजिए आप यूट्यूब पे, इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल वीडियो आपको नहीं मिलेगी। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।